प्रियंका द्विवेदी की लिखी लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है कर्जा। लल्लू बेचारा गरीब ब्राह्मण था। गांव जवार में सबसे अलग वह बचपन से ही पढ़ना चाहता था। शहर के लोगों को देखता तो बोलता वहाँ के लोग वीआईपी होते हैं, पर गरीबी और मजबूरी से घर का खर्चा ही निकालना मुश्किल था, पढ़ता कहाँ से। लेकिन पूरे गांव में नंबर एक की खेती करता था। पूरा जीवन खेतों में समर्पित करके यही सोचता, मैं नहीं तो अपने बेटों को जरूर शहर पढ़ने भेजूंगा। समय बीता, तीन बेटे दो बेटी हुई। बेटियों की शादी कर समय से उनको ससुराल भेज अब कर्जा लेकर बेटों की पढ़ाई में लग गया। अब रात दिन उसका खेतों में ही कटता था। पूरे गांव पर खेती करता था, सब पूछने आते, खेती कैसे की है, काका हमें भी बताओ। सबको बड़े मन से बताता, जैसे किसी शहर का खेती वैज्ञानिक हो। लल्लू अब रात दिन मेहनत करके बेटों को सेट कर चुका था। बेटों की पढ़ाई शादी करके फुर्सत हो चुका था। गांव के लोग आते जाते बोलते, काका अब तुम्हारी मौज है, फुर्सत हो गए हो, जिम्मेदारी से सबको तुमने लाइन दे दी है, अब आराम करने के दिन है। लल्लू भी हंस के बोलता, हाँ भाई आखिर बहुत मेहनत की है आज का दिन देखने के लिए। तभी मुखिया जी बोले, लल्लू अभी पिछले जन्म का कर्जा बचा है, जो बेटे बनकर तुमसे कर्जा पूरा करवाने आए हैं। लल्लू बोला, अरे नहीं मुखिया जी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, मेरा सहारा है, बहुत आराम देंगे मुझे। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही लल्लू चला गया, अपने आप में ही बोलता हुआ, मेरे बेटे बुढ़ापे का सहारा हैं, आज भी उनके ऊपर हुए खर्च पैसे का कर्जा भर रहा हूँ। अनाज बेचकर, नहीं मेरे बेटे अच्छे हैं। साल के अंत में छठ पर्व नवंबर में पड़ा था। दिवाली के अगले दिन एक छठ पर्व का निमंत्रण पूरे गांव को मिला। लल्लू काका स्वयं कार्ड देने गए थे। बहुत देर तक सबसे बात हुई, सबसे खुशी खुशी यही बताया कि मेरे दोनों बेटे अपने परिवार के घर आए हैं। दोनों बेटे गुजरात रहते हैं, वहीं अपना मकान बनवा लिए हैं। इसी साल दोनों को बेटा हुआ है, इसीलिए छठ में कोसी भरी जाएगी। इसी उत्साह में लल्लू काका भी लगे थे, नाच बैंड बाजा डीजे जनरेटर शामियाना हलवाई का सट्टा हुआ है, हैसियत से ज़्यादा व्यवस्था किया। काका ने गांव का कोई पूछता, इतना खर्चा, अभी कर्जा सर पर है लल्लू, इतना खर्च क्यों कर रहे हो, बड़े गर्व से लल्लू बोलता, मेरे दो बेटे शहर कमाते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, 1000 से अधिक लोगों के खाने खिलाने की व्यवस्था बनाई गई है। लल्लू के तीन लड़के हैं, जिनमें बड़ा व मंझला गुजरात में रहते हैं, छोटा वाला घर रहकर खेतीबाड़ी का काम देखता है। शुरुआत में तो गुजरात वाले लड़के महीने में 2-4 हज़ार भेजा करते थे, बाद में वह भी बंद कर दिए। सब लल्लू को बोलते तो सबसे बोलता, अरे देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, अभी नए नए शहर गए हैं, नई गृहस्थी जम जाए फिर पूरा खर्च उन्हीं से करवाऊंगा। अब चिंता मुक्त हो गया है, इसलिए जी भर के खर्च कर रहा है। लल्लू पूरे गांव को दिल खोलकर खिलाना चाहता है। आज बुरे वक्त यही गांव वाले मदद किए, भूखे रह हल चलाया, यही गांव वाले दो रोटी दे देते थे। खेत में पत्नी तो बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। यहाँ से छठ की कोसी भर के इसी बहाने गांव जवार को खिलाने पिलाने नाच गवनई धूम धड़ाका करना चाहते हैं। बेटों ने अपनी मर्जी से गुजरात में ही शादी कर ली थी। शादी में गुजरात न जा पाने वाले रिश्तेदारों को खुश करने का भी एक अच्छा बहाना रहेगा, क्योंकि गुजरात कोई पहुंच न पाया था। छठ की रात काका के घर की सजावट किसी शादी विवाह वाले घर को भी पीछे छोड़ रही थी। एक तरफ डीजे बज रहा था तो
दूसरी तरफ नाच का स्टेज सजा हुआ था। नाचने वाली भी आई थी। लौंडों की जानी मानी नाचने वाली थी, इसीलिए देखने हजार से भी अधिक लोग पहुंचे थे। खाने नाश्ते की भी खूब व्यवस्था थी। निमंत्रण वाले और नाच देखने वाले एक साथ गुड़ की चींटियों की तरह टूट पड़े खाने में। 4 घंटे खाने की बात चली। इतना खाना खाया लोग बांध के घर भी ले गए। जिसने भी खाना खाया वह 2-3 दिन तक उसके स्वाद का बखान करता रहा। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे अब तक अपनी उंगलियां चाट रहा हो। नाचने वाली तो बात और ही निराली थी। उस समय के 2 चर्चित गानों लाल लाल कुर्ती पांडे जी की फरमाइश ज़्यादा रही, जिस पर 2-3 बार धरी धरा की नौबत आ गई। जो नाच पूरी रात होनी थी उसे 12 बजते बजते बंद करना पड़ा। वैसे नौजवानों में उसके 2 नचनियों की चर्चा महीनों तक रही। कुछ बिना ब्याहे नौजवानों ने अपने विवाह में उस नाच का सट्टा लिखवाने की सौगंध भी खाई। ऐसी नौकरी थी मेरी कि छठ का गया 1 महीना पहले या बाद में गांव आया, सबके खेत हरे हो गए थे। गेहूं के फसल की पहली सिंचाई हो गई थी। इन हरे हरे खेतों के बीच एक खेत किसी गंजे के सिर की तरह दिखाई दे रहा था। यह खेत लल्लू काका का था। यह उनका मुख्य खेत था जिसका रकबा 7 बीघा था। इस खेत की गेहूं और धान की फसल से काका का घर भर जाता था। ऐसा क्या हुआ कि काका का खेत सोच में डूबा ही था कि काका दिखाई दे गए। राम राम के बाद काका से बात हुई। मैंने उनके खेत की तरफ उंगली उठाकर पूछना चाहा तो उन्होंने रोक दिया। कुछ देर तक रोने के बाद उन्होंने जो बात बताई, बेटों का कर्जा भर रहा हूँ, तुम सब सही बोलते थे, अभी कर्जा भरा नहीं है। उन्होंने बताया कि छठ के अगले दिन ही शहर वाले बेटे अपने परिवार के साथ चले गए, उनका रिजर्वेशन था। अभी बेटी बहनें विदा नहीं हुई तब तक उन लोगों का जाना अच्छा नहीं लगा। शाम को जब वह लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए बोलेरो पर बैठ रहे थे, तब तक शामियाना और जनरेटर वाले अपने रुपए के लिए आ गए। सारा हिसाब बाबूजी करेंगे, इन्हीं से आप लोग अपना पैसा ले लीजिएगा, दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े थे, लल्लू रोने लगे बताते हुए। मगर मेरे पैसे हैं कहाँ, मेरे पास अब पैसे कहाँ हैं, अभी सब खेत में पानी चलाना है, खाद बीज लाना है, तो हम क्या करें, दोनों ने एक स्वर में बोला। इस खेती से उपजा एक दाना अपने साथ थोड़े ही ले जाते हैं, इन खेतों से जो घर बैठे मौज कर रहा है उससे ले लीजिए। बेटों के बोलने से पहले बहुएं ऐसा बोलकर चली गईं। खाद बीज डीजल लाने के लिए जो गेहूं रखे थे वह छठ में खा खिलाकर चले गए। किसी तरह व्यवस्था करके जनरेटर शमियाना का दिए। अभी जनरेटर वाले का 5,000 बकाया है। बरसात होने से फसल चौपट हो गई। थोड़ा बहुत हुआ तो 1-2 किलो छठ में आए बेटी बहन को दिए। उनके हाथ में भी 25-50 रखना पड़ा। पैसे के अभाव में घर पर रखा हुआ वो दिए, वह जमा ही नहीं। नतीजा दोबारा पानी चलाकर फिर से बोया हूँ। जब तक बोलते रहे उनकी आंखें झरना बनी रहीं। छोड़िए काका, अब तो जम ही रहा है। गेहूं चाहे नवंबर में बोया चाहे दिसंबर में, कटिया तो एक ही साथ होती है। मैंने जमीन से निकलते हुए गेहूं के पीले पीले नौनिहाल अंकुरों को दिखाकर कहा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं बेटा। जाते जाते मझली बहू अपना हिस्सा अलग करने को कह गई। मैं तो इस खेत अपने दिल के टुकड़े की तरह रखता था, कैसे इसको टुकड़ों में अलग करूंगा, यही सोच रहा हूं। काका को समझा बुझा कर मैं घर चला आया था। पूरे रास्ते
और घर आने के बाद भी मेरा मन यही सोचता रहा, सबसे बड़ा कर्जा बेटों का होता है जो बाप पूरी जीवन भरता है, फिर भी वह खत्म नहीं होता। धन्यवाद।